नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दो दिन बाद यानी 8 अगस्त को वूट पर स्ट्रीम होने वाला सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी के कंटेस्टेंट्स को लेकर कयास लगने शुरू हो चुके हैं। कई नाम उजागर भी कर दिए गए हैं। इस बारे में ये भी कहा जा रहा है कि कंट्रोवर्सी से भरपूर इस शो में इस बार शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी की भी एंट्री हो सकती है। हालांकि अभी तक शो के मेकर्स और शमिता शेट्टी ने इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, पर माना जा रहा है कि मेकर्स इस बार शो को दिलचस्प और रोमांचक बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। तभी पहले करण जौहर का नाम इसके होस्ट के रूप में अनाउंस किया गया और अब सूत्रों के अनुसार कंटेस्टेंट के लिए शमिता शेट्टी को भी अप्रोच किया जा रहा है। शो के दो कंटेस्टेंट्स नेहा भसिन और जीशान खान के नाम से पर्दा उठ चुका है और अब शो के नए प्रोमो वीडियो को देखकर लग रहा है कि भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की भी इसमें एंट्री होने वाली है। प्रोमो में उनका चेहरा भले ही ना दिखाई दिया हो, पर आवाज, आंखों और अदाओं से साफ मालूम होता है कि ये और कोई नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री का जाना माना नाम अक्षरा सिंह है। प्रोमो में अक्षरा भोजपुरी में कह रही है, जो लोग हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम खराब कर देते हैं इन सब का लबड़ लबड़ बंद कर देंगे। वैसे तो हम जबरदस्ती का रोमांस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ जरूरत पड़ी ना तो हमें एक्शन करना भी बराबर आता है। अक्षरा सिंह के बिग बॉस में आने से फैंस की एक्साइटमेंट दोगुनी हो चुकी है। अभी तक बिग बॉस में भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी सितारा शो का विनर नहीं बन पाया है। अक्षरा सिंह के फैंस को काफी उम्मीदें हैं। देखना होगा कि अक्षरा इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती हैं। वैसे यूपी और बिहार में इनकी काफी लंबी फैन फॉलोइंग है। वहीं मॉडल, एक्ट्रेस और टीवी प्रेजेंटर अनुषा दांडेकर ने बिग बॉस सीजन 15 का हिस्सा बनने की अटकलें लंबे समय से चल रही थी, पर अब उन्होंने ऑफिशियली इन खबरों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मैं बिग बॉस में नहीं जा रही हूँ। मैं इस शो में कभी नहीं जा रही थी। मुझे नहीं पता क्यों मेरे शो में जाने को लेकर लिखा जा रहा है। मैं आप सभी के अच्छे दिनों की कामना करती हूँ। अनुष्का ने अपने इस वीडियो के साथ मैसेज भी लिखा कि वे बिग बॉस में नहीं जा रही हैं, इसलिए उनके बारे में लिखना बंद कर दिया जाए। वहीं अब बिग बॉस ओटीटी को लेकर पुराने कंटेस्टेंट्स के रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। इस शो का बेसब्री से इंतजार कर रही कश्मीरा शाह का कहना है कि विदाउट एडिट बिग बॉस में काफी कुछ रोमांचक होगा। दूसरा, ये वूट यानी कि ओटीटी पर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होगा, यानी कि खुलकर लोग इसमें गॉसिप देंगे। वहीं करण जौहर के बारे में कश्मीरा का कहना है कि उन्हें शो में वही कहना है जो वे कहना चाहते हैं, ना कि वो जो पब्लिक सुनना चाहती है। खैर, दो दिन बाद वूट पर शुरू होने जा रहा ये शो कितना मजेदार होने वाला है और कौन कौन से कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट इसका पार्ट बनने वाले हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। आप इस शो के लिए कितने एक्साइटेड हैं और आप किसे बिग बॉस में देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे फिल्म और टीवी की नई अपडेट के साथ। नमस्कार।